हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में स्वागत है आपका और हम बात करेंगे, आइए एक बार चर्चा करते हैं। जैसा कि आपके पास बहुत बार कमेंट आ रहा है कि 2023 में अवध विश्वविद्यालय के बीएड और एमएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बैक पेपर इम्प्रूवमेंट फॉर्म इम्प्रूवमेंट पेपर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब भरा जाएगा। दोस्तों नो डाउट पिछली बार अब तक फॉर्म भरा जा चुका था, इस बार काफ़ी लेट हो रहा है और हकीकत है कि इस बार लेट हो रहा है। और सच्चाई भी ये है बच्चों कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है विश्वविद्यालय की तरफ से कि हम आपसे ये कह सकें कि फॉर्म कब भरा जाएगा। पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था बच्चों, 8 मार्च से फॉर्म भरा गया था, 8 मार्च से आपके इम्प्रूवमेंट पेपर का फॉर्म भरा गया था। और लेकिन 8 मार्च से फॉर्म भरने के बाद भी पेपर पता है कब हुआ था? पेपर हुआ था बच्चों 24 मई को, ठीक है, 24 मई को आपका पेपर हुआ था बैक पेपर, जब 8 मार्च से एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, तब 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023 में तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा गया है। इसका एक कारण हम ये भी मान सकते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह होना था मार्च महीने में ही, और 17 मार्च को दीक्षांत समारोह था 2023 का, तो मैं हो सकता है कि उस वजह से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई हो, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। तो अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम एक हफ्ते, और अंततः इस महीने में, जैसा कि ये मार्च महीना चल रहा है, तो इस महीने के लास्ट तक तो कन्फर्म आपका बैक पेपर का फॉर्म नोटिफिकेशन एटलीस्ट तो आ जाएगा कि आपका बैक पेपर का फॉर्म कब भरा जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से एक प्रेडिक्शन, एक पॉसिबिलिटी, एक उम्मीद जता सकता हूँ कि इस महीने के अंत तक आपके बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फिर वही बात, एग्ज़ाम्स अभी टाइम होगा, टाइम लगेगा एग्ज़ाम होने में। मई महीने से पहले तो बिल्कुल उम्मीद करना ही एक तरह से नाइंसाफ़ी होगी। उम्मीद नहीं कर सकते कि मई से पहले आपका बैक पेपर का फॉर्म हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए। और जिस तरीके से बैक पेपर चल रहा है, बीएड जो रेगुलर के एग्ज़ाम्स अगर हम बात करें तो रेगुलर एग्ज़ाम्स भी सितंबर अक्टूबर से पहले की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि जो रेगुलर पेपर होने वाला है बीएड एमएड का वो सितंबर या अक्टूबर से पहले हो जाए। क्योंकि जब सेकेंड सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, उसके बाद ही विश्वविद्यालय में बीएड का और एमएड का एग्ज़ाम होता है। ये अभी तक के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो बीएड के एमएड के रेगुलर पेपर में भी काफ़ी समय जाने वाला है, मतलब सितंबर अक्टूबर से पहले तो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे अगर बीएड के बैक पेपर की, तो बच्चों अगर अनुमानित डेट की बात करें तो इस महीने के अंत तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर्म भरने में भी 10-15 मिनट का टाइम रहता है, फिर उसके बाद सेंटर डिसाइड करना, पेपर प्रिपेयर करना, एडमिट कार्ड इशू करना बच्चों के लिए, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, काफ़ी एक समय लगता है इसमें। तो इस महीने के अंत तक हम उम्मीद जता सकते हैं कि आपका बैक पेपर का, बैक फॉर्म या इम्प्रूवमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर एग्ज़ाम्स की बात करें बच्चों, तो मई से पहले तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं कुछ चीज़ें आपको पिछले एग्ज़ाम्स के अनुभव पर आपको कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे पिछले वर्ष जब बीएड का और एमएड का बैक पेपर हुआ था तो सेंटर कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो ये पिछले साल का पेपर नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे तो जो सेंटर था आपके अवध विश्वविद्यालय का आईईटी कैंपस सेंटर था। मतलब हो कई बार जैसे अवध विश्वविद्यालय से जो जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, जैसे सुल्तानपुर में हैं और भी अकबरपुर में हैं और भी कई शहरों में हैं, तो वहाँ के महाविद्यालय के बच्चों का भी बैक पेपर आपके विश्वविद्यालय कैंपस के अंतर्गत ही होगा, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आप इसमें देखेंगे परीक्षा केंद्र में अवध विश्वविद्यालय का आईईटी कैंपस, समस्त महाविद्यालयों का, जो भी इससे जुड़े हुए महाविद्यालय, उन सभी बच्चों का यहीं पे कैंपस होता है। एक ही दिन पेपर होता है, क्योंकि जब आप इम्प्रूवमेंट पेपर और बैक पेपर देते हैं तो उसमें केवल एक ही विषय के फॉर्म भर पाते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम टाइम टेबल शेयर करूँ पिछले आधार पर, जी हाँ, ये इस साल का नहीं है, पिछले आधार पर है, जैसे ही इस साल का आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो पिछले आधार पर अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष में कैसे शेयर किया गया था, तो ये रहा टाइम टेबल जो 24 मई 25 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट ईयर में मॉर्निंग शिफ्ट में, जिनका अगर कोई करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड आईसीटी,
जो कॉमन सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना चाहता था उनका मॉर्निंग शिफ्ट में था, बाकी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते थे तो वो इवनिंग शिफ्ट में था। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़, एक ही दिन यहाँ से एक और चीज़ कन्फर्म होता है कि आप एक ही पेपर में भर पाएंगे। ठीक वैसे ही 24 तारीख को सेकेंड ईयर वालों का भी इम्प्रूवमेंट पेपर था एक ही दिन, तो ये उनका टाइम टेबल, तो ये 2 वर्षों का टाइम टेबल है। ठीक है, तो देखिए अगर आप में से किसी भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देना है, बैक पेपर देना है, तो आपने तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया होगा कि आप इस सब्जेक्ट में बैक पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप करते रहिए। मुझे खुशी होगी आप कमेंट में बताएंगे, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको उस सब्जेक्ट में तैयारी कराने की कोशिश करूँगा ताकि इम्प्रूवमेंट में आपके नंबर और बढ़ के आएँ। ठीक है, तो आप एक ही पेपर इम्प्रूवमेंट में भर पाएंगे, एग्ज़ाम्स में थोड़ा टाइम है, कम से कम 1-2 महीने का तो टाइम ही टाइम है, अच्छा टाइम है, आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं और आप और नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर आपका नंबर बढ़े ना, पुराना से पुराने पिछले वाले से कम हो जाए, तो घबराइए मत, पिछले वाले में या फिर नए एग्ज़ाम्स में जो नंबर ज़्यादा होगा वही आपके अंक पत्र में आएंगे। जब आप इम्प्रूवमेंट पेपर देते हैं तो अगर पिछले मार्क्स से ज़्यादा है तभी अपडेट होगा, नहीं तो पिछले वाले को एज इट इज़ रख दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ होता है कि जो आपकी रेगुलर मार्कशीट होती है वो मार्कशीट जो आप बैक पेपर के बाद देंगे वो प्रोविजनल मार्कशीट आपको मिलती है बैक पेपर के बाद, बस ये अंतर है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंक कम हैं या फिर वो बच्चे जिनका पेपर छूट गया था तो वो तो ज़रूर बैक पेपर देंगे, तो उसके लिए बच्चों थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से पेपर में आपको बैक पेपर देना है या इम्प्रूवमेंट देना है, और अगर आप कन्फ्यूज़न हैं, आप थोड़े से असमंजस में हैं कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो कमेंट में अपने प्राप्तांक बताइए, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स में आप देना चाहते हैं। मेरी सोच समझ से जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। तो ये हो गया दोस्तों बैक पेपर से संबंधित कुछ चर्चाएँ। डेट की बात करें तो डेट तो आपको खुद पता है कि अवध विश्वविद्यालय के बारे में डेट कमिट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अवध विश्वविद्यालय अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है कल ही आपका डेट आ जाए, परसों आ जाए, एक हफ्ते के अंदर आ जाए। लेकिन हाँ ये सत्य है कि आपका ये वाला फॉर्म थोड़ा सा इस बार लेट हो रहा है पिछले वर्ष के मुताबिक। पिछले वर्ष में 8 मार्च को मुझे याद है, मैं आइए आपको वो डेट शीट दिखा दूँ, 8 मार्च को फर्स्ट डे था एग्ज़ाम फॉर्म भरने का बीएड और एमएड के बैक पेपर का, इस बार आज 18 मार्च हो गया, तो आप काफ़ी लेट हो रहा है फॉर्म भरने में, हो सकता है दीक्षांत समारोह की वजह से हो रहा हो या फिर जो भी कारण हो, बट बहुत ही जल्द उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बैक पेपर का फॉर्म की नोटिफिकेशन आ जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, जैसे नोटिफिकेशन आती है मैं बताऊंगा ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, नोटिफिकेशन कैसे, फीस कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, जो भी आपसे बीएड से संबंधित आपके नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ घर में काम चल रहा था इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था, बट नाउ आई एम फ्री, फेस्टिवल्स भी काम हो गए हैं, अब हमारे पास समय भी आ गया, तो हम तैयारी करेंगे ना केवल बैक पेपर साथ ही साथ रेगुलर पेपर का भी। तो मैं आपसे भी चाहता हूँ आप भी तैयारी हो जाए, बहुत हो गई सारी चीज़ें, सो अब आइए हम पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आपको बताया जाएगा। इससे संबंधित जैसे बीएड खासतौर पे मेरी खुद उस पर पकड़ रहती है, मतलब मैं खुद कोशिश सर्च करता रहता हूँ जुड़ा हुआ बीएड से, तो जैसे ही कोई इससे संबंधित नोटिफिकेशन आती है मैं आपको खुद बताऊंगा, मिस नहीं होगा इस बात की मेरी गारंटी है, आप बस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जस्ट चिल्ला, जैसे भी कोई आती है आपका भाई है आपको बताने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, कौन से पेपर का बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट देने के लिए क्या विचार है आपका, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, नए जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मुझे नहीं, अब मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे अब फैमिली जैसा लगता है, एक परिवार जैसा लगता है आपसे जुड़ के, सो वो सब आप कर दीजिएगा। बाकी बैक पेपर से संबंधित आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कोई सूचना आती है आपको सूचित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अंततः इस महीने के अंत तक हमें बैक पेपर की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। सो अग्रिम शुभकामनाएं, जो बच्चे बैक पेपर देना चाहते हैं तैयारी शुरू कर दीजिए, मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत साथियों।